हेलो बच्चों, क्लास 11 इंग्लिश। वी आर लर्निंग वेरी पॉइंट पोयम दैट इज लेबनान टॉप। हम यहाँ पर लेबनान टॉप एक पोयम की स्टडी कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कविता है। सबसे पहले तो आप वो देखिए, लेबनान का मतलब होता है अमलतास का पेड़। अमलतास का पेड़ जो रहता है, उसमें आपने शायद पिक्चर वगैरह में देखा होगा या टीवी में देखा होगा। जनरली हमें तो यहाँ नहीं दिखता, लेकिन फॉरेन कंट्री में आपने देखा होगा। एक पेड़ रहता है बिल्कुल सीधा सीधा, उसमें पीले कलर की पत्तियाँ रहती हैं, ठीक है। उसको हम अमलतास का पेड़ कहते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर स्टोरी है। अमलतास का पेड़ खड़ा हुआ हुआ है और यहाँ पर एक गोल्ड फिंच चिड़िया आती है। गोल्ड फिंच चिड़िया कैसी होती है? बहुत छोटी चिड़िया होती है, बहुत सुंदर गाना गाती है और बहुत कहना चहचहाती है। और वो चिड़िया आती है, अपने बच्चों को मिलती है, और जब बच्चों को मिलती है तो पेड़ में एक रौनक आ जाती है और चहचहाना आदि की आवाज आने लगती है। इसको मैं यहाँ पर एक पोएम के माध्यम से समझा रहा हूँ, जो कि लेखक ने लिख के रखी है। और वह चिड़िया फिर उड़ के चली जाती है, तो क्या होता है इसी को इस पोएम में बताया गया है। तो अमलतास का पेड़ है। अमलतास का पेड़ एक बहुत सुंदर सीधा और बहुत अच्छा पेड़ होता है, जिसमें पीली पीली पत्तियां भी होती हैं और शानदार दिखता है, वही है। तो अभी देखिए, राइटर ने लिखा है, द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। अभी यहाँ पे चिड़िया नहीं आई है। लेबनम का पेड़ यहाँ पर शांत खड़ा हुआ है, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है। अब क्या होगा? जैसे यहाँ पर वो बताना चाह रहा है कि मौसम कैसा है और जो पेड़ खड़ा हुआ वो किस कंडीशन में खड़ा हुआ है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और वो यह बताना चाह रहा है कि जो अभी का समय है वो कौन सा है। सितंबर का समय है, दोपहर का समय है और बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, और पेड़ कैसा लग रहा है, पीला पीला दिखाई दे रहा है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड फॉलन, एक पेड़ की पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं और उसके पेड़ से बीज गिरना शुरू हो गए हैं। तो देखिए कितना सुंदर वो वर्णन कर रहा है कि सितंबर में दोपहर का महीना है, अमलतास का पेड़ खड़ा हुआ है, बिल्कुल शांत है, पत्तियां पीली पड़ गई हैं और उससे बीज गिरना प्रारंभ हो गए हैं। अब देखिए क्या होता है, इसी को वो आगे बताना चलता है। टिल द गोल्ड फिंच कम विथ अ फ्यू ट्विचिंग चिरपिंग। अब क्या हो रहा है, यहां पर जो पक्षी है गोल्ड फिंच, वो आता है और जैसे ही पत्तियों का पेड़ के पास आता है, वहां पर एक चंचलता, छटपटाहट और बहुत सुंदर सी आवाज, कुछ वाइब्रेशन, कुछ कंपन वहां पर दिखाई देने या दिखने लगता है। अ सडन डीप सर्टन एट द ब्रांचेस एंड देन स्टार्ट एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। अब क्या होगा, अब आप समझिए, यहां पर गोल्ड फिंच पक्षी आता है, अभी पेड़ स्थान था और जैसे ही वो अचानक आता है और जो पेड़ की ब्रांच, यानी पेड़ के पीछे वाला पार्ट है, पतली पतली ब्रांच है, उस पर बैठ जाता है और वह छिपकली जैसा, जो छिपकली रहती है ना, शांत होती है, फिर अटैक करती है, फिर आगे बढ़ती है, वैसे ही कर रही है और एकदम से वहां पर अलर्टनेस कि जैसे होता, बैठती है चिड़िया एक पीछे वाली ब्रांच में, आगे पीछे देखती है और अचानक वो वहां पर अपनी हलचल प्रारंभ करना शुरू कर देती है। तो वही लिखा है, एक शाखा के अंत पर
फिर छिपकली की तरह चिकना और चौकन्ना कौन होता है? वह है गोल्डफिंच पक्षी होता है, आके बैठ जाता है। जैसे छिपकली धीरे 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 आती है, अचानक बढ़ती है और शांत रहती है और चौकन्ना रहती है, वैसे ही गोल्डफिंच पक्षी कहीं से आया है, एक जगह आके बैठ गया है और वही बिहेव कर रहा है। शी एंटर द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। अब देखिए ये सेंटेंस बहुत अच्छा बोला हुआ है किसने? कवि ने। उसने ये बताया कि वह है, अब क्या हो गई, पेड़ की पतली डाल से मोटी डाल के साइड आती है। अब क्या हो रहा है उसमें, देखिए एक वर्ड यूज कर रहा, मशीन स्टार्ट, मशीन शुरू होती है। अब इसका मतलब जो लेखक ने बहुत अच्छी कल्पना की है, जैसे आप जानते हैं कि जैसे मशीन, कोई मशीन स्टार्ट होती है तो कुछ आवाज शुरू कर देती है, वैसे ही क्या हो रहा है, जैसे ही गोल्डफिंच पंछी आता है तो पूरे के पूरे वृक्ष में वहां पर आवाज करना शुरू कर देता है, चहचहाट आ जाती है और एक वाइब्रेशन बहुत अच्छा लगने लगता है। उसका एक कारण है क्योंकि गोल्डफिंच पक्षी ने वहां पर अपने बच्चे दिए होते हैं, ये लेखक बताना चाहता। तो जैसे ही गोल्डफिंच पक्षी अंदर एंटर करता है अमलतास के पेड़ पे लेबर्नम टॉप पर, तो पेड़ में हलचल हो जाती है, जैसे मशीन स्टार्ट होती है वैसे पेड़ में हलचल भी शुरू हो जाती है। अब क्या होता है यहाँ पर, ऑफ ट्रिपिंग एंड ट्रेमोर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग द होल ट्री ट्रिमसली एंड थ्रिल। अब वहां पर पूरे पेड़ में अचानक क्या हो गया, कंपन शुरू हो गई, वाइब्रेशन आ गया, पेड़ हिलने लगा, पत्तियां हिलने लगी और पूरा पेड़ कैसा हो गया, ऐसा लग रहा मशीन चल गई है और पूरा का पूरा एक वाइब्रेशन, चहचहाट, सब कुछ वहां पर दिखाई देने लगा और ये क्षण रोमांच का हो जाता है। और जो पेड़ था अब रोमांचित हो जाता है। यहाँ पर पेड़ के बारे में उसने यहाँ पर बताया है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टोक इट फुल, देन शी फ्लाइट आउट एट द ब्रांच एट शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिफाई मास्क। अब क्या हो गया, यहाँ पर जो चिड़िया गोल्डफिंच थी उसने अपने बच्चे को दिया था, बच्चे उसके पास, जैसे आप चिड़िया के बच्चे जाते हैं ना, चिड़िया जाती है बच्चों के पास, बच्चे ची 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 करने लगते हैं और इंजन एक टाइप का कैसा हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही वो क्या करती है, वो उनसे मिलके खिला के अब वहाँ से स्टोक इट फुल, वहाँ से वो तो जाने लगती है, उड़कर दूसरी ओर जाने लगती है और ऐसे ऐसे होता पेड़ के अंदर मोटे वाले तने से पतले वाले तने की ओर निकल जाती है और शोइंग अ बैरेट फेस आइडेंटिफाई मास्क, और वो क्या कर रही है, अंत में अपने चेहरे ऐसा पलट के ऐसा ऐसा होता देख के वहां से उड़ जाती है और पेड़ में पुनः हलचल समाप्त हो जाती है। तो बच्चे सारे हो तो बच्चे इस पोएम को एक बार रीड कर लेंगे, इसका हिंदी में अर्थ मैंने बताया हुआ है, पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत सुंदर कविता है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका थोड़ा सा पार्ट, लास्ट वाला पार्ट और समझा के क्वेश्चन आंसर करूँगा।